दरभंगा शहर के यातायात थाना में पदस्थापित एक सिपाही जिसका नाम धनंजय कुमार है, ट्रैफिक चेकिंग के दौरान वसूली की गई राशि जिस करीब 5,70,000 रुपये जमा हुए थे। जानकारी के मुताबिक करीब 5,70,000 रुपये लेकर धनंजय कुमार जो यातायात थाना में पदस्थापित था सिपाही लेकर हो गया फरार। और एक महीना बीत जाने के बाद भी वह उसका अभी तक कोई अता पता नहीं है। वहीं प्राथमिकी दर्ज होने के बाद भी अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है और न ही सरकारी राशि का चेकिंग के दौरान वसूली गई राशि का यह पैसा है जिसे बैंक खाते में जमा नहीं किया गया है। आपको बताते चले कि यातायात डीएसपी को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने लहरियासराय थाने में एफआईआर दर्ज लहरियासराय थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई। 380/24 कांड दर्ज कराई गई। इस सिपाही धनंजय कुमार को आरोपी बनाया गया है। वही प्राथमिकी में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सिपाही धनंजय कुमार प्राथमिकी में स्पष्ट लिखा गया है कि धनंजय कुमार जो यातायात सिपाही था करीब 5,70,000 रुपये लेकर हो गया फरार कि एक माह पूर्व एफआईआर दर्ज कराई गई थी। वहीं यातायात डीएसपी ने शंका जाहिर किया है कि दोनों आलमारी का चाबी सिपाही धनंजय कुमार के पास ही है। आपको बता दें कि वही 13 जुलाई 2024 को ड्यूटी से गायब है। एक महीना ऊपर हो गया है, कोई अता पता नहीं है। पत्रकारों ने जब इस मामले को लेकर नगर पुलिस अधीक्षक शुभम आज से जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि यातायात डीएसपी अवधेश कुमार के द्वारा लहरियासराय थाना में मामला दर्ज कराई गई है। मामले को लेकर तहकीकात किया जा रहा है। वहीं इस अवसर पर उन्होंने बताया कि सूचना नहीं देने के कारण स्पष्टीकरण भी पूछा गया है और सिपाही के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही। आइए सुनाते हैं इस संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक शुभम आज ने पत्रकारों को क्या बताया। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से, मनोज झा। सर, ट्रैफिक थाना में सरकारी पैसा जो चालान से आया हुआ था उस पैसे को लेकर एक सिपाही गबन कर लिए हैं, क्या मामला है सर पूरा? ये पिछले महीने 15 जुलाई की वारदात है जिसमें ट्रैफिक थाना में पदस्थापित एक सिपाही जिनका नाम है धनंजय कुमार, इन्होंने लगभग 5,68,000 रुपये जो पैसे हैं जो इनको जिम्मेदारी दी गई थी कि ये जो ट्रैफिक के जितने फाइन कलेक्ट होते हैं वो एक बैंक में हम लोग जमा करते हैं, इनको वहाँ पे जाके जमा करने की जिम्मेदारी दी गई थी लेकिन उन्होंने नहीं किया। उसके बाद में इन जो संपर्क स्थापित करने की कोशिश की लेकिन संपर्क इनसे स्थापित नहीं हो पाया और ये तब से ही फरार चल रहे हैं। इस संबंध में FIR भी जो है वो दर्ज कर ली गई है धारा 409 और 420 के अंतर्गत और आगे की कार्रवाई जारी है। सर, एक महीना से ज़्यादा हो गया और सूचना सर आपको दिया गया थाना प्रभारी यातायात थाना के द्वारा? इसमें सूचना देने में उनकी तरफ से विफलता हुई, हम उसमें संबंध में उनसे जवाब मांगे। सर, जीवित हैं या नहीं क्योंकि परिवार के लोग भी यहाँ आ रहे हैं उसको खोजने के लिए? देखिए, अभी तो इसमें कुछ कहना संभव नहीं है, FIR अमल हो चुकी है। इसमें आगे की कार्रवाई उसमें ये भी होगा कि अगर व्यक्ति को कहीं और देखा गया हो या फिर उनके संबंध में किसी और से संपर्क करके स्थापित करके पता किया जा सके उस संबंध में भी हम कार्रवाई कर रहे हैं, उसमें भी जांच जारी है।